अभी एक 5G एंड 4G में ज्यादा फाइटिंग चल रहा है, जो कि आपको 5G आने के बाद 4G नेटवर्क क्या स्लो हो जाता है, और 4G फोन तो हम लोग नहीं फेंक देंगे ना, तो 4G नेटवर्क को क्या उसी तरह स्पीड करना है, और 5G में जिसी का स्लो नेटवर्क में चलता है उसको भी स्पीड करने के लिए एक दो सेटिंग लाया हो, जो चलो उसको देखते हैं और फॉलो करो वो सेटिंग को, और देखो कि किसी तरह हम लोग सेटिंग करने के बाद आपके स्पीड नेटवर्क का जो स्पीड है वो अच्छी तरह से काम करता है। वो चाहे 5G फोन आपके नहीं है और 4G आप चला रहे हो तो आपका नेटवर्क 5G जैसा चलेगा, और जिसका 5G है वो नेटवर्क स्लो है उसको 5G तो ऑलरेडी स्पीड है, क्या बताऊंगा, और उसको वो नेटवर्क भी आपको और ज्यादा स्पीड हो जाएगा। चलो सेटिंग देखते हैं, कैसे आप नेटवर्क को स्पीड करें और अच्छे से इंटरनेट चलाए वो सेटिंग आपको बताने वाला हूं। वो जो सेटिंग है आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है, और इसको मैं अभी, ये जो लिंक है मैं आपको देने वाला हूं, मैं अभी इसका लिंक को पेस्ट कर देता हूं, आपको जो लिंक है मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, और वो करने के बाद, वो लिंक करने के बाद उसके ऊपर जो सर्च का ऑप्शन है आपको पैरेलल सर्च करना है, जो कि स्पेलिंग है PARALLEL। ओके, उसके बाद आपके जो डिफॉल्ट ऑप्शन है उसको क्या करना है, आपको एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद आपको नेटवर्क जो है ज्यादा स्पीड हो जाएगा, और उसके बाद जो डिसेबल करने के बाद आपको नेटवर्क स्लो हो जाएगा, और एनेबल में जो आपके डिफॉल्ट है वो आपको सेटिंग ही नहीं हुआ है, जो आपका नेटवर्क देता है वही आप चलाते हो और स्पीड नहीं कर पाते हो, ठीक है, और इसी को एनेबल में रखना है, बस आपका नेटवर्क बहुत अच्छे से काम करेगा, चाहे 5G हो या 4G हो या 3G भी।